पांच पदों का जो फल में से इसका जो फल घटा देते हैं ना निकल जाए, और इस पांच पदों के जो फल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3+2-6। बोलिए जी, इसे आपको कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि पांच पदों में जो फल का दो भाग में बांटवारा कर दिए, दोनों में जो फिर पांच ही होगा, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा है कि 3 पद जो 2 पद, ठीक है, बराबर कितना, यानी कि 3 पदों के जो फल के बाद का 2 पदों का जो फल का तरीका हुआ, दोनों के सब में से क्या घटा लेना, 3 पदों का जो फल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आता? इस पांच को ही हम ऐसे लिख दिए, इसमें कोई फल ऐसा लिखने से क्या कॉन्सेप्ट हुआ, 3 पदों के बाद 2 पदों का जो फल, स्त्री का बोल दिया कि 3 पदों के बाद क्या रहते हैं, यहाँ 3 रहेगा, 2 पदों का जो फल से जोड़ 2 रहेगा, और घटेगा उसमें से क्या, 3 पदों का, जिसके बाद है, जिससे जिसके बाद जो फल निकालना है उसके पहले वाला घटता है, ये ट्रिक पर है, ठीक है। अब इसी पर सोचिए, हम इसी 3 पदों का जो फल तो दे दिया है, उसके बाद आपको कितने पदों का जो फल निकालना है, 3 पदों का, तो अब गणितीय रूप में इसको कैसे व्यक्त करेंगे, हाँ बोलिए, अब तो सब लोग समझ गया होगा। ठीक है, कि अगले 3 पदों का जो फल, 3 पदों के जो फल के बाद, तो जिसके बाद लाना है, देखिए वो 3 पदों के बाद तो 3 था, तो 3 पदों के बाद तो 3 आएगा, और नेक्स्ट जो बार है कितने पदों का जो फल, 2 पदों का जो फल इसमें है, और माइनस पी है, तो पी है वही ना, वहां बता दें, ठीक है। अब चलिए हम मार रहे हैं, अब बताइए तो शुद्ध फॉर्मूला क्या है एसएन का, बताइए फॉर्मूला, और इसका मान क्या है, लेकिन हमको आगे जाना कहाँ है, टारगेट तो हम रिव्यू नहीं किए, क्या चीज करना है, जरा बोलिए क्या था, या कितना लाना है।